सुप्रभात बच्चों, माँ सरस्वती को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके कराग्रेवस्ती लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले गोविंद प्रातः कर दर्शनम। सुबह उठकर हाथों के दर्शन कीजिए। फिर मैं आपको पाठ एक के प्रश्न बताने जा रही हूँ, उनके मैंने उत्तर भी यहाँ दे रखे हैं ताकि आपको कॉपी में करना आसान हो जाए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए और याद भी कीजिए। कविता जो उसका एक भाग आप लिख सकते हैं, दो भाग भी लिख सकते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे ही मन में चिड़िया का जो भी चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाइए। कोशिश तो करना बनाने की बच्चों। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्न चित्र उभरते हैं। वह नीली पंखों वाली सुंदर चिड़िया, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदिया का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। इस प्रकार प्रश्न दूसरा है। उस प्रश्न दूसरे में अगर आप कविता का कौन सा नाम देना चाहो उसका नाम आप सोच कर लिख सकते हैं, जैसे सुंदर चिड़िया, रंगरंगीली चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, नन्ही चिड़िया, कुछ भी दे सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़िए और उनके उत्तर आप कॉपी में करने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।